दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने चैनल पर लरी गुल्ली और जिसे आप झालर झूठा जैसे डिज़ाइन बोलते हैं उसी का लरी बनाकर बताने आई हूं कि यह लरी कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले से मैं यह लरी बना के रखी हूं जो मैं आपको दिखा रही हूं। अब मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि यह लरी कैसे बनाई जाती है। एक गुल्ली और एक झूठा की मदद से बनाई गई है जिसमें गेंदा का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों पहले से आप गेंदा काट के तैयार रखें और उसमें गुल्ली और गेंदे की झूठे की मदद से यह लरी तैयार करनी है। तो दोस्तों मैं आज व्हाइट कलर की ऊन से और ग्रीन कलर की गेंदे से मैं बनाकर लरी बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहले गेंदे ले लेनी है, फिर उसमें ऊन कुरसियों की मदद से खींच लेनी है, फिर उसमें बांध कर निकाल कर और गुल्ली तैयार करनी है। पांच छह चैन लेकर जिसमें चैन के बीचों बीच से छह सात या आठ फंदे लेके थोड़े लंबे, इसका आप जितना लंबा रखना चाहते हैं और जितना मोटा इसको करना चाहते हैं उतना मोटाई रख सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं गुल्ली तैयार कर ली हूँ, उसके बाद दो तीन फंदे लेकर अब झूठा उस जिस डिज़ाइन को किसी ने झूठा का रूप दिया है, किसी झालर का रूप दिया है, जो मैं डिज़ाइन अब आपको बनाकर बताऊंगी कि यह डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, गुली के ही तरह इसको बनाया जाता है। पहले आप जितना झालर उसका मोटाई रखना चाहते हैं, सात आठ नौ दस उतना निकाल लेनी है। उसके बाद कुरुस कुरुस में से पूरे घर को निकाल कर दो भाग में करके चैन की मदद से कुरुस फंसा कर उसके नीचे से फंदे निकाल कर फिर उसको बीचों बीच से बांध देनी है। देखिए दोस्तों, मेरा झालर तैयार हो गया। फिर आपको गुल्ली बनाना है। फिर मैं गुल्ली बना रही हूँ, उसके बाद मैं फिर झालर बना के बताई हूँ। दोस्तों वीडियो का अंत तक देखें तब आपको पूरा डिज़ाइन बनाना आएगा। जिस प्रोसेस को बार बार देखेंगे तो समझ में भी आएगा और लास्ट तक वीडियो को देखें कि पूरा डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं फिर झालर तैयार कर रही हूँ उसका। आप जितना झालर तैयार करना चाहते हैं उतना झालर तैयार कर सकते हैं मोटा। देखिए दोस्तों, मैं फिर उसको कुरुस से पूरा निकाल कर दोनों भाग में बांट कर उंगली की मदद से दाब कर नीचे से कुरुस फंसा कर फिर उसमें से मैं फंदे निकालूँगी और फिर उसमें बांध देनी है जिससे दोनों भाग बट कर बंधा जाए। दोस्तों इसी प्रोसेस को आपको बार बार बनाना है जिससे आपका गुल्ली और झालर दोनों तैयार हो। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं
ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस डिज़ाइन को बनाना सीखे। अगर दोस्तों आपको यह डिज़ाइन बनाने आ जाए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे और वो भी बनाना सीख जाए। देखिए दोस्तों, मैं फिर झोटा तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, मैं इससे पहले की वीडियो में आपको गुली बनाना बताई थी, उसी की मदद से ये झोटा भी बनता है जो मैं फिर आपको बनाकर बता रही हूँ। जिस दोस्तों ने पहले गुली बनाना सीख ली होंगी उसके लिए आसान है। देखिए दोस्तों, दो भाग में बांट देनी है, पूरा उंगली की मदद से नीचे की चैन में क्रूस फंसाकर और फिर फंदे को पीछे से लेकर फिर आगे से बांध देनी है। देखिए दोस्तों, मैं तीन झालर और तीन गुल्ली तैयार कर ली हूँ। दोस्तों, मैं एक दो और बनाकर आपको बता रही हूँ कि आपको पूरी तरह से बनाना आ जाए। दोस्तों, एक बार में यह वीडियो देखकर बनाना ना आए तो बार बार कोशिश करें बनाने की और वीडियो को बार बार देखें और बनाएं। देखिए दोस्तों, मैं फिर झोटा बनाकर बता रही हूँ। बीचों बीच से आधा कर लेनी है, फिर नीचे की चैन से फंसाकर पीछे की तरफ से चैन लेकर उसको फिर बांध देनी है। देखिए दोस्तों, चार मैं झोटा बनाकर बताई हूँ, फिर मैं गुली बना रही हूँ। आप इसको गीत की झालर या चांदनी की झालर, सुहाग लरी या इसी तरह का सिर्फ गेट भी बना सकते हैं। आप इसकी मदद से शीशे पर का भी बना सकते हैं जो सिर्फ गुली और झालर की मदद से। दोस्तों, इस लड़ी को आप किसी भी गेट, पर्दे, सुहाग लड़ी किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक झोटा और बनाकर बता रही हूँ। आधे आध कर कर उंगलियों की मदद से दबाकर नीचे से फंदे क्रूस फंसाकर फंदे लेकर और ऊपर से बांध देने हैं।
दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और मिस ना कर पाएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों गेंदे के साथ लरी मैं तैयार कर ली हूँ। देखिए कितना अच्छा है और इसे आप आसानी से वीडियो देखकर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों देखिए यह डिज़ाइन पूरा रेडी है और देखिए झालर में बनाकर पहले से रखी हूँ जो मैं आपको पूरा बता रही हूँ। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का झालर बनाएं आप भी और किसी गेट पर्दे या किसी भी झालर में आप तैयार कर सकते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों।